हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लंग लकार यानी कि भूतकार। तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद हम धातु रूप भी जानेंगे और अनुवाद भी सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि लंग लकार यानी कि भूतकार किसे कहते हैं। तो परिभाषा मैंने यहाँ पर लिखा है, जिससे बीते हुए समय का बोध। बीते हुए समय मतलब कि भूतकार, जो समय बीत गया है उसका बोध हो, उसे हम लंग लकार कहेंगे। जिससे बीते हुए समय यानी कि भूतकाल का बोध हो, उसे लंग लकार कहते हैं। जैसे कि वह पढ़ता था, वह पढ़ता था, ये समय जो है बीत चुका है। इसी प्रकार से मैं खेलता था आदि, ये है लंग लकार का उदाहरण। अब जानते हैं इसका सूत्र क्या होता है। संस्कृत में सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सूत्र के सहारे ही धातु रूप भी बनाया जाता है और अनुवाद भी बनाया जाता है। तो सूत्र पे विशेष ध्यान दीजिएगा और सूत्र को जरूरी से याद कर लीजिएगा। सूत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सूत्र के सहारे ही धातु रूप और अनुवाद बनाया जाता है। तो आइए इसका सूत्र देख लेते हैं। सूत्र इस प्रकार से है, सूत्र लंग लकार का एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इस प्रकार से कॉलम बनाया जाता है। इसके पहले मैंने लट लकार का और लीट लकार मतलब वर्तमान काल और भविष्यत काल का वीडियो बना चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वो वीडियो आप देख चुके हैं तो ये सारा प्रोसेस आपको पहले से पता होगा, और अगर नहीं देखे हैं तो आपको वो वीडियो सबसे पहले देखना चाहिए, उसके बाद ही इसको शुरू करना चाहिए। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, और अगर देख चुके हैं तो आइए हम लिट लकार समझ लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला है, त ताम न अह तम त अम आओ आम। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, त ताम न। पढ़ने का तरीका ऐसे है, प्रथम पुरुष एकवचन त, प्रथम पुरुष द्विवचन ताम, और प्रथम पुरुष बहुवचन न। इसी प्रकार से अह तम त अम आओ और आम। इसको जो है ये फॉर्मूला है, और फॉर्मूला से हम धातु बनाते हैं। तो मैं आपको फटाक से बताता हूँ फटाफट कैसे इसका इस्तेमाल धातु रूप बनाने में किया जाता है। तो इसके पहले कि मैं धातु रूप बताऊं, आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारा उत्साह बढ़ा दीजिए। चलिए सीख लेते हैं धातु रूप कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पठ मतलब कि पढ़ना, पढ़ना का धातु रूप हम बनाने वाले हैं। कॉलम हम बनाकर तैयार हैं, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष। देखिए यहाँ पर मैंने सब में पट पट लिख दिया है, कॉलम को भर दिया है पट पट, क्योंकि पट धातु का बनाने वाले हैं तो सब में पट पट लिख दिया है। अब फॉर्मूला को हम कैसे ऐड करेंगे, तो फॉर्मूला एक वचन प्रथम पुरुष में त है, तो इसी प्रकार से एक वचन प्रथम पुरुष में हम यहाँ पे लास्ट में जोड़ देंगे त। ये हो गया त, तो मैं लास्ट में यहाँ पे त जोड़ दिया है। लेकिन इसमें कुछ और चेंजिंग होता है, और चेंजिंग क्या होता है, ये लंग लकार यानी कि भूतकाल का है, लंग लकार यानी कि भूतकाल का है। तो सभी लकार में कुछ ना कुछ चेंजिंग होता है, तो इसमें चेंजिंग क्या होता है, इसके पहले अ लगा दिया जाता है। इन सभी में धातु रूप लंग लकार का अगर धातु रूप बनाते हैं आप, तो सबके पहले आप अ लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे अ लगा दिया मैंने, और फॉर्मूला जो है लास्ट में लगा दिया। अब इसको हम पढ़ेंगे अ पठत। इस प्रकार से हम इसकी बात करते हैं मध्यम प्रथम पुरुष द्विवचन की, तो प्रथम पुरुष द्विवचन में ताम लगा हुआ है, तो इसके लास्ट में हमें ताम लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से लगा दिया, और अभी मैंने आपको बताया इसमें सभी के पहले जो है आ लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर आ लगाते हैं। तो ये हम हो गया आ पठताम, क्या हो गया आ पठताम। अब हम इसको अपठताम पढ़ेंगे। इसी प्रकार से इसमें भी करना है, तो इसके पहले हम आ लगाते हैं, और फॉर्मूला कहता है न लगाने को, तो हम यहाँ पे न लगाते हैं, हलंत दिया है मैंने। ये हो गया अपठन। अब हम इसको पढ़ेंगे इस प्रकार से, अपठत, अपठताम, अपठन। यही प्रोसेस हम इन दोनों में भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आ लगाएंगे, उसके बाद सूत्र यहाँ पे मध्यम पुरुष एकवचन का अह है, मध्यम पुरुष एकवचन का बनाने वाले हैं, तो मध्यम पुरुष एकवचन का फॉर्मूला है अह। तो आ जो है इसमें आ का उपयोग नहीं होता है, सिर्फ विसर्ग को हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये हो गया आ पठा। इसी प्रकार से इसमें भी करने वाले हैं, तो यहाँ पे तम है, सबसे पहले हम आ लगा लेंगे, उसके बाद लास्ट में जोड़ देंगे तम, और इसी प्रकार से इसमें भी करने वाले हैं, सबसे पहले अ लगा देंगे, यहाँ फॉर्मूला है त, तो यहाँ सिर्फ त लगा देंगे। ये हो गया अपठा अपठतम अपठा, अपठा अपठतम
अपठत। यहाँ पे देखिए अपठत यहाँ भी लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे हलंत है, और यहाँ भी लिखा हुआ लेकिन इसमें हलंत नहीं है। इन दोनों में बस यही हलंत का डिफरेंट है, इसमें यह हलंत है और इसमें हलंत नहीं है, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं इसकी बारी है, लास्ट उत्तम पुरुष का है, तो इसके पहले हम आ लगा लेंगे। फॉर्मूला कहता है आम लगाने, तो आ का इस्तेमाल नहीं होता है, आ जो है नहीं जोड़ा जाता है, सिर्फ मा जुड़ेंगे, तो हो जाएगा ऐसे आ पठम। क्या हो जाएगा आ पठम, यही काम हम इसमें भी करने वाले हैं। आ लगा लिए, आ लिखा हुआ है तो आ की मात्रा आ जाएगा और वह, तो हो गया आ पठाओ। और इसमें जो भी ऐसे करने वाले हैं तो आम है, आ की मात्रा और म, आ पठाम। अब हम इसको पूरा जो है बना चुके हैं, अब हम इसको एक सही तरीके से पढ़ेंगे, तो ऐसे पढ़ेंगे अपठत अपठताम अपठन अपठ अपठतम अपठत अपठम अपठाओ अपठाम। तो ये पढ़ने का सही तरीका है। ये मैंने पठ धातु बनाया, पठ मतलब पढ़ना होता है, और पठ धातु को मैंने लंग लकार यानी कि भूतकाल पे धातु रूप बनाया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको धातु रूप आसानी से और अच्छे से समझने में आ गया होगा बनाने के लिए, और भी बहुत सारा घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे एक धातु और लिया हूँ लिख धातु, यहाँ पर देख लेते हैं। लिख धातु मैंने यहाँ पर लिया है और सेम यही प्रोसेस से इसको भी बनाने की कोशिश किया है, मैंने यहाँ बना चुका है, आप समझिएगा। इसके पहले हम यहाँ पर लिखा हुआ है लिख धातु, लिख मतलब कि लिखना, तो यहाँ पर लिख धातु को बनाया हुआ है। इसके पहले मैंने आ लगाया है जैसा कि अभी मैं आपको बताया, और लास्ट में फॉर्मूला जोड़ दिया है त, यहाँ से प्रथम पुरुष एकवचन त है, तो प्रथम पुरुष एकवचन त, जैसा कि मैंने इसको बनाया है इसी प्रकार से इसको भी बनाया गया है। तो यहाँ पढ़ते हैं क्या बनाया है, तो यहाँ पे हो गया अलिखत अलिखताम अलिखन, सारा प्रोसेस जो है इसी का है। जैसे मैंने पठ धातु बनाया, पठ धातु का बनाया है, इसी प्रकार से मैंने लिख धातु का भी बनाया है। अगर आपको ये पठ धातु का धातु रूप बनाने में समझ में थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिएगा और इसको फिर से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब देखते हैं लिख धातु क्या है, तो इसमें हो जाता है अलिखत अलिखताम अलिखन, लास्ट में फॉर्मूला जुड़ा हुआ है अ त ताम न, जो कि मैंने यहाँ पे लिखवाया है। फिर है अह तम त अम आओ आम, लास्ट में फॉर्मूला जुड़ा हुआ है। पढ़ने का सही तरीका इस प्रकार से होगा अलिखत अलिखताम अलिखन अलिखा अलिखतम अलिखत अलिखम अलिखाओ अलिखाम। ये ये हो गया लिख धातु का धातु रूप लंग लकार में भूतकाल में। इसी प्रकार से मैंने वध धातु लिया है, वध मतलब होता है बोलना, और वध धातु का मैंने रूप यहाँ पे लंग लकार में बनाया है। यहाँ पर मैंने धातु रूप के साथ साथ इसका हिंदी अर्थ भी लिखने की कोशिश की है, तो आइए इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे वध धातु है, वध मतलब बोलना, बोलना का धातु रूप बनाया है, कॉलम वही रहेगा सेम, और फॉर्मूला भी वही होगा अवदत। देखिए जैसे लिखा गया है अलिखत, इसी प्रकार से वध धातु का अवदत अवदताम अवदन अवदत अवदताम अवदन, जैसे कि यहाँ पे है अलिखत अलिखताम अलिखन, इसी प्रकार से है अवदत अवदताम अवदन। अब इसका हिंदी अर्थ की बात कर लेते हैं, तो अवदत मतलब होता है बोलता था, वद मतलब होता है बोलना, इसको भूतकाल में करेंगे तो बोलना कौन जाएगा बोलता था, तो इसी प्रकार से यहाँ पे हो गया बोलता था। एक वचन में एक व्यक्ति होते हैं तो बोलता था, और प्रथम पुरुष मैंने आपको पढ़ाया, वचन और पुरुष का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप एक बार चेक कर लीजिए। आप पिछला वीडियो जो है जरूर देखिएगा, इससे क्या होता है कि आगे आगे समझने में आसानी होता है। तो अगर देखे हैं तो अच्छी बात है, अच्छे समझ में आएगा, और नहीं देखे हैं तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। आइए समझते हैं। तो प्रथम पुरुष में होता है वह, वे दोनों और वे लोग, मैंने पढ़ाया है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका हिंदी में ऐसे करेंगे कि वह बोलता था। यहाँ पर अगर हम वह लेते हैं तो वह बोलता था, अगर यहाँ पे द्विवचन लेते हैं वे दोनों, तो वे दोनों बोलते थे, और अगर बहुवचन लेते हैं वे लोग, तो वे लोग बोलते थे। तो इस प्रकार से इसका हिंदी हो गया बोलता था, बोलते थे और बोलते थे। इस प्रकार से मध्यम पुरुष में पढ़ते हैं, तो मध्यम पुरुष में लिखा हुआ अवध अवध अवधतम अवधत, जैसा कि इसमें लिखा गया है। इसका हिंदी अर्थ के बारे में बात करते हैं, तो हिंदी अर्थ जगह बोलते थे, मैंने बताया था मध्यम पुरुष में होता है, इसका एग्जांपल होता है तुम दोनों और तुम लोग, तो यहाँ पे मैं तुम लूँ
तो इस प्रकार से हो जाएगा, तुम बोलते थे, तुम दोनों बोलते थे और तुम लोग बोलते थे। तो इसका हिंदी अर्थ ऐसे है, बोलते थे और बोलते थे। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष में भी इसी प्रकार से बनाया गया है, अवदम अवदाव अवदम, अवदम अवदम अवदाव और अवदम। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, बोलता था, मैं बोलता था, हम दोनों बोलते थे, हम लोग बोलते थे। तो इस प्रकार से मैंने धातु बताया आपको, धातु रूप बताया, लंग लकार में धातु रूप कैसे बनाया जाता है। मैंने कोशिश किया है आपको आसान से आसान तरीके से समझाने की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए कि जैसे आप सीख रहे हैं, आपके दोस्त भी अच्छे से सीख सके, समझ सके। और 10th का बोर्ड एग्जाम आने वाला है, तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कीजिए, जम के कीजिए। और मैं हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो। तो संस्कृत ग्रामर के टॉपिक से कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको दूंगा। आइए अब आगे जान लेते हैं। अब हम इसका धातु रूप सीख चुके हैं, अब हम अनुवाद बनाने के लिए सीखते हैं, लंग लकार में अनुवाद कैसे बनाया जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम लंग लकार का कुछ अनुवाद भी देख लेते हैं। अनुवाद जानने से पहले हमें कुछ फॉर्मूला चाहिए जो मैंने बोर्ड पर लिखा है, आइए इसे हम पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लंग लकार का सूत्र लिखा है, जो अभी मैंने लिखा था, त ताम ना अह तम त अम औ आम वाला। उसके बाद मैंने सर्वनाम सूत्र लिखा है। सर्वनाम सूत्र जो है इम्पोर्टेंट होता है अनुवाद बनाने में। और मैंने लंग लकार के अलावा लिट लकार, लट लकार में भी सर्वनाम सूत्र को बताया है, तो आप इसको याद कर लीजिए। एक बार याद करना पड़ेगा, उसके बाद बार बार काम आएगा। तो सर्वनाम सूत्र इस प्रकार से है, सह सह तो ते, सह तो ते। मैंने यहाँ पे इसका हिंदी लिखा है, सह मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे लोग। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में बात करें तो त्वम युवाम युयम, और उत्तम पुरुष में अहम अवाम वयम। इसे कहते हैं सर्वनाम सूत्र। सर्वनाम सूत्र में सह तो ते, त्वम युवाम युयम, अहम अवाम वयम। हिंदी अर्थ की बात करें तो सह मतलब वह होता है, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग। इस प्रकार से मध्यम पुरुष में तो मतलब तुम होता है, युवाम मतलब तुम दोनों, युयम मतलब तुम लोग, और उत्तम पुरुष में अहम मतलब मैं होता है, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम लोग। ये दोनों फॉर्मूला हमें अनुवाद में काम आने वाला है। मैंने इन दोनों फॉर्मूला को मर्ज कर दिया है और मैंने एक फॉर्मूला का निर्माण किया है, जो यहाँ पर मैंने लिखा है, मैंने खुद से किया है। और ये जो है दोनों फॉर्मूला इसमें शामिल है। जैसे कि मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे प्रथम पुरुष एकवचन में सह है, तो मैंने यहाँ पे प्रथम पुरुष एकवचन में सह ऐड कर दिया है। और इसी प्रकार से सूत्र में प्रथम पुरुष एकवचन में तय है, तो मैंने यहाँ पे त भी लगा दिया है, पास में ही लिख दिया है। इसी प्रकार से सह तो ते, तो सह तो ते, और यहाँ पे है त ताम न, तो यहाँ पे त ताम न। मैं इन दोनों फॉर्मूला को एक ही में मर्ज कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है, ताकि अनुवाद बनाने में और ज्यादा आसानी हो। आइए इसको हम अनुवाद बनाकर समझ लेते हैं कि कैसे हम इसको और अच्छे से आसान कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी इसको आसान करने की कोशिश किया था, और मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछला वीडियो देख चुका होगा, जो लट लकार और लिट लकार का वीडियो देख चुका होगा, शायद उसको ये इसका जो है बताने की जरूरत ना पड़े, ये लकार इस लकार का अनुवाद वो खुद ही बना सकता है, इतना मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसको देख लीजिए, और अगर आप देख चुके हैं आपको ऑलरेडी पता ही होगा। तो आइए देख लेते हैं क्या होता है। वह पढ़ता था, पहला अनुवाद हमारा है वह पढ़ता था। तो वह का स्पेलिंग हम यहाँ पे संस्कृत क्या ढूंढेंगे, तो वह का संस्कृत देखिए यहाँ पे सह लिखा हुआ है, तो हम लिख देंगे सह, हो गया सह। अब पढ़ता था, तो पढ़ना का मीनिंग होता है पाठ, तो यहाँ लिख दिया मैंने पाठ, थोड़ा सा दूर लिखते हैं। पढ़ना का संस्कृत होता है पाठ, तो मैंने यहाँ लिख दिया पठ। अब इसके साथ कौन सा सूत्र लगने वाला है, तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूला में देखेंगे कौन सा सूत्र लगने वाला है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सह, तो सह के साथ कौन सा सूत्र लगने वाला है, त, तो हम इसके लास्ट में लगा देंगे त। और मैंने अभी आपको बताया कि धातु रूप बनाते समय इसके पहले जो है आ लगाना जरूरी है, क्योंकि ये लंग लकार का है, तो इसके पहले आ लगाया जाता है। तो आ पहले लगा दिया, लास्ट में फॉर्मूला लगा दिया, सह के साथ लगता है त, तो मैंने यहाँ पे त लगा दिया, हो गया सह आ पठत। क्या हो गया, सह आ पठत, मतलब कि वह पढ़ता था। कितना आसान है ना, आसान, बिल्कुल आसान है।
फॉर्मूला, दो दो फॉर्मूला आपको याद रहेगा, आप जो है समझकर आसानी से बना सकते हैं। एक और हम बनाकर दिखाते हैं आपको और अच्छे समझ में आएगा। तुम दोनों खेलते थे, तुम दोनों खेलते थे। तो सबसे पहले हम तुम दोनों का संस्कृत ढूंढेंगे। तुम दोनों का संस्कृत देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है युवाम, तो हम यहाँ लिख देंगे युवाम। देखिए युवाम इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे युवाम माँ में हलांत लगा है, यहाँ मैंने बिंदु दिया है, ऊपर जो है बिंदु दिया है, तो उन दोनों तरीके से लिखा जाता है। आप माँ को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो युवाम हो गया, खेलते थे। खेलना का मीनिंग होता है खेल या क्रीड, धातु का मैंने वीडियो बनाया है उसमें जो है आप देख लीजिए, याद कर लीजिए। तो खेलना का मीनिंग होता है संस्कृत होता है खेल। अब देखिए युवाम है, तो युवाम के साथ कौन सा सूत्र लगने वाला है, तो त्वाम युवाम युयम, तो यहाँ पे युवाम है, युवाम के साथ लगा हुआ है तम, तो इसके लास्ट में लगने वाला है तम, तो ऐसे हम ऐड कर लेंगे तम। अभी मैंने आपको बताया कि लंग लकार में कोई भी धातु बनता है उसके पहले आ लगा जाता है, तो मैंने आ लगा दिया, लास्ट में फोन लगा दिया तम। अब हो गया आ लेखतम, सॉरी आ खेलतम, तो ये हो गया युवाम आ खेलतम, मतलब कि तुम दोनों खेलते थे। इसी प्रकार से नेक्स्ट देख लेते हैं, मैं जाता था, तो मैं का संस्कृत होता है अहम, तो यहाँ लिख देंगे हम आम। आम को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, हलंत मा है, इसके बाद में हम बिंदु दे दिए। अहम जाता था, तो जाना का मीनिंग क्या होता है, गच, जाना का होता है गच, ये हो गया गच। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, तो अहम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अहम के साथ आम लगने वाला है, तो हम लगा देंगे आम। मैंने अभी बताया आ का इस्तेमाल जो है आ जो लगता नहीं, सिर्फ मा लगेगा, तो लास्ट में हम लगा देंगे हलंत मा, और इसके पहले आ तो बनाना ही पड़ेगा, तो हो जाएगा आ गच्छम। तो पूरा पढ़ेंगे सेंटेंस तो हो जाएगा अहम आगच्छम, मतलब कि मैं जाता था। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा है मदन हंसता था, मदन हंसता था, तो मदन का संस्कृत मदना होगा, मदना। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि किसी भी लड़के का नाम जो है संस्कृत में करना है तो उसके लास्ट में विसर्ग लगा दिया जाए तो वह संस्कृत में हो जाता है। तो मदन का संस्कृत हो गया मदना, हंसना हंसता था, हंसता था, तो हंसना का मीनिंग होता है हंस, तो मैंने लिख दिया हंस। मदन जो है इसका रूप सह की तरह चलता है, मैंने कई बार बता चुका है, पिछले वीडियो में भी बताया था, प्रथम पुरुष की तरह चलता है, किसी का भी नाम हो तो प्रथम पुरुष की तरह चलता है, अगर एक पुरुष है एक व्यक्ति है तो एक वचन की तरह, दो व्यक्ति है तो दो वचन की तरह, और बहुत सारे हैं तो बहुवचन की तरह, लेकिन चलता है प्रथम पुरुष में। तो इसका रूप जो है मदन का रूप सह के अनुसार चलेगा, और सह के साथ क्या लगता है, त लगता है, तो यहाँ पर हम लगाने वाले हैं त, तो हो जाएगा पहले हम आ लगा देते हैं उसके बाद हो जाएगा लास्ट में त, ये हो गया हसत आ हसत, तो मदना आ हसत, मतलब कि मदन हंसता था। लास्ट है गीता नाचती थी, गीता नाचती थी, तो गीता का संस्कृत गीता ही होता है गीता, मैंने पिछले वीडियो में बताया है। लड़की का नाम अगर संस्कृत में लिखना हो तो उसमें कुछ नहीं करना पड़ता, वो हिंदी में भी होता है और संस्कृत में ऑलरेडी होता है, तो गीता का गीता ही हो जाएगा। नाचना का होता है नृत्य, नाचना का नृत्य होता है, और गीता अभी मैंने बताया कि किसी का भी नाम हो प्रथम पुरुष की तरह चलता है, सह की तरह, तो लास्ट में लगेगा त, तो नृत्य के लास्ट में लगा देता है, और इसके पहले हमें आ लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा आ नृत्यत, आ नृत्यत। अगर पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो हो जाएगा गीता आ नृत्यत, मतलब गीता नाचती थी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अनुवाद अच्छे से समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया थोड़ा सा डाउट है तो आप इसको पीछे से फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। और वीडियो ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट में लिखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो एक लाइक देकर हमारा उत्साह बढ़ा दीजिए। आपको संस्कृत का और कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया कीजिए। इससे क्या होगा कि आप खुद भी सीख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, और आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा पाएंगे। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।